वो अपना सा। उन पे नजर रखनी है जब तक मैं। What the hell, कहाँ है वो? लगी तो नहीं ना आपको? चुके चुके चुके। आराम से आराम से। तुम्हारी माँ की फोटो दी थी मैंने तुम्हें बड़ी करने के लिए, वो मुझे दे दे। श्राद्ध की तैयारी करनी है। माँ का श्राद्ध नहीं करें। आप क्यों मना कर रहे हैं? श्राद्ध करना जरूरी होता है, इट्स इम्पोर्टेंट। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? माँ का श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध मरे हुए लोगों का होता है, पर मेरी माँ जिंदा। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के संभाल के। प्रशांति फोटो है, इसे 1.5 से 2 फीट बड़ा करवाना। एनर्जन बेसिस पे कराना, मुझे कल सुबह चाहिए। अच्छा तुम जाओ, ठीक है? दीदी जी, इस फोटो में यही माजी है क्या? आप ठीक है? ये लीजिए पानी पीजिए आराम से। ओके कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जानवी कहां हो तुम? आई रियली नीड टू स्पीक टू यू। आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ। अपनी मॉम के बारे में किसी को बताने की कोशिश भी मत करना आदि, क्योंकि शायद तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी मिले ही ना उसके बाद।
अंडरस्टैंड। कौन जानवी, मैं भी तुम्हें फोन कर रहा था। जानवी मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। जानती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। पर आदित्य, क्यों आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हैं? क्यों मुझे कुछ नहीं बता रहे कि क्या प्रॉब्लम है? आदित्य प्लीज मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो अपनी खुशी में कौन सी फ्लाइट पकड़ के उड़ने का फैसला किया है इस गलतफहमी में कि आदित्य तुमसे प्यार करता है? प्लीज भूलना मत कि वो मेरा हस्बैंड है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं निशा, शायद तुम श्योर नहीं हो कि आदित्य तुमसे प्यार करते हैं या नहीं। तो शायद अपने ही प्यार पर डाउट। जानवी, मुझे मेरा नाम पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। पर आई थिंक तुम्हें ये नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कल से यही नाम तुम्हारी नींदें उड़ाए जब तुम्हारा राज सबके सामने आए। Shut up. Just leave. Yeah. Please leave my husband. Sorry. भूल गई थी। तुम लोगों में शादी जैसा कुछ रिश्ता तो है नहीं, तो याद नहीं रहता। कपड़ों को देखो, ये दाग धब्बे, जिसका खुद का स्टाइल इतना बेकार, वो इस रेस्टोरेंट को क्या संभालेगा? लेकिन मिस्टर शौरखन, ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे, तो टेक्निकली मैं बॉस हूँ। और हाँ, मेरे स्टाफ मेंबर के सामने मुझसे तमीज से बात करना। आज का ये कॉन्सर्ट ना मैं प्रज्ञा को डेडिकेट करने वाला हूँ, और इतनी जोर से गाऊंगा ना, मेरी आवाज प्रज्ञा तक पहुंच ही जाएगी और वो खींची चली आएगी। अब चाहे मेरा गाना हो या मेरा यकीन, दोनों में से कोई तो अपना असर दिखाएगा ही। जिस दिन का मोटा भाई को सबसे ज्यादा डर था, आज वो दिन आ गया। आज तेरी इस हरकत से मोटा भाई की परवरिश हार गई। प्रेम, अगर मुझे एक बार भी लगा कि आप मुझसे अब भी बात छुपा रहे, तो मैं आपके साथ वापस नहीं आ पाऊंगी। माँ, अब तुम्हें पता चला तुम्हारे भाव राव काका ने क्या अपराध किया था? हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। प्रगति, नागू जी, ये कौन है? अमराड़ की दिशा से कुछ व्यक्ति अपने शहरी वाहन में यहाँ पर आए और उसे फेंक कर चले गए। नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा, ये सोचा नहीं था मैंने। नमस्कार सेठ जी, इसे पहचाना कि नहीं? देवसु का ही है। ये हमारे देवसु का आदमी नहीं। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता। मायरा, तुम तो झाड़ू लगाने में चैंपियन हो, तुम इसको अपना सेकंड प्रोफेशन क्यों नहीं कंसिडर करती? वैसे तुम भी अच्छे से मॉप लगा लेते। वेल, इतना भी अच्छा नहीं लगाता, लेकिन जैसा भी लगाता हूँ उसकी वजह से कोई फिसल जाए तो गिरने भी नहीं देता। छोटी सी पार्टी रखी है और मैं ना नहीं सुनूंगा। आप सुरभि के साथ वक्त पर पहुंच जाना। परेश भैया, आपको शादी की जितनी खुशियां मनाना है मना लीजिए, क्योंकि परसों मंडप के नीचे जो धमाका होगा उसके बाद
सारी खुशियां आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी।